रुक जा। ओ माने का ठंडा 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 पानी ये देखे जी, इंजॉय इंजॉय कर रहे हैं। तो वालेकुम, मेरा नाम विश्व मनोहर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विश्व मनोहर ब्लॉग्स है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैर के साथ होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैर के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ विलेज की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है क्योंकि आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इधर आया हूँ इधर अब जी ना खेत में ना करा चला रहे हैं। तो इसको ना मेरे ख्याल में करा बोलते हैं। ये जो पीछे लगा हुआ है हल जो होते हैं उसके ना नीचे इस तरह वो बने होते हैं, नोकदार होते हैं नीचे से वो, लेकिन ये नीचे से नोकदार नहीं होते, ये बिल्कुल ना ब्लेड की तरह होता है। तो ये करा बोलते हैं इसको। तो ये अभी चला रहे हैं इधर अब्बू जी खेत में। और इस साइड देखें जी, ये देखें तो अभी अब्बू जी यही चला रहे हैं। और इधर ना परिंदे आप चेक कर रहे होंगे, परिंदे जो है ना वो सारे ना इधर ट्रैक्टर के पीछे भागे हुए। अक्सर ना गाँव में इसी तरह होता है, जब भी कहीं ट्रैक्टर जाता है या हल चलाता है या इस तरह कोई काम करता है ट्रैक्टर के साथ, तो ये जो परिंदे होते हैं ट्रैक्टर के ना पीछे फिरते रहते हैं। क्योंकि ना ट्रैक्टर जब हल चलाता है ना तो मट्टी जो है नीचे से उखड़ जाती है, जिसकी वजह से ना अंदर से न्यू न्यू कीड़े निकलते हैं। और ये सारे परिंदे हैं ना ये वो कीड़े खाते हैं, तो इस वजह से ना ये पीछे भागते हैं। आप देख रहे होंगे ये देखिए पीछे भाग रहे हैं उसके नीचे से ना कीड़े वगैरह खाते हैं। फिर ये ट्रैक्टर के पीछे भागते रहेंगे जब तक ये ट्रैक्टर चलता रहेगा, फिर उधर से घूम के इधर वापस आएगा तो ये भी पीछे भाग पड़ेंगे। तो इस तरह वो जी हल अभी चला रहे हैं आप देख रहे होंगे। और वैसे ना अभी सूरज जो है वो भी निकला हुआ है आप देख रहे होंगे। तो अभी ना 8 बज चुके हैं, तो 8 बजे का टाइम है, तो अभी से ना गर्मी शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे भी मैं आया हूँ, यहाँ पे कुछ ठंडी हवा लग रही है फिलहाल, तो क्योंकि ना साइड पे ग्रीन ग्रीन ये सारे दरख्त हैं और ये चारा वगैरह लगा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा लग रही है फिलहाल। हाँ जी, तो अभी अब्बू जी ना खेत में करा जो है वो चला के आ चुके हैं। तो अभी ये क्या है? ये बीज है। किस चीज का? ज्वार का बीज है। गायों को ना काश करना है ना चारा जी, ये चारे का बीज है। ये है ज्वार जी, ये वाली कुछ इस तरह की ये है। इसको ना 1 घंटा भिगो के रखना है जी, और 1 घंटे बाद डाल देना है। हाँ जी, फिर खेत में डाल देंगे और ऊपर से हल चला देंगे जी। ये मकई है ना? हाँ जी, ये मक्की है। और ये बाजरा है और इसमें जंतर है, यानी कि चारों बीज मिक्स करके ना जी बीज रहे हैं जी। तो कोई इस तरह ना मिक्स चारा हो ना जी, तो जानवर बड़े शौक से खाते हैं, अलग अलग टेस्ट आता है। हाँ जी, हाँ जी। ये है बाजरा जी, ये है मक्की, ये देखें जी, और इधर है इसमें जंतर जी, वो इधर डाल दे। ये है जंतर ब्लैक ब्लैक। हाँ जी, तो अभी ना अबू जी ना पानी डाल रहे हैं बीज में, ये देखें तो कुछ इस तरह का कलर है बीज का, ये देखें तो इस तरह करके अंदर पानी डाल देना है। तो जिस तरह अबू जी डाल रहे हैं ये तो ये लें जी, ये भी फुल हो चुका है समझो अब, बस अब इसको रख देना है। हाँ, 1 घंटे के लिए रख देना है जी। फिर जाके ना खेत में बिखेर देंगे जी और ऊपर से हल चला देंगे जी। हाँ जी, तो अभी हम ना इधर आ चुके हैं, तो समझो मैं अपने दादू के घर आए हूँ। अम्मा की सिस्टर है तो उनके मैं घर आया हूँ। और इस साइड आप देख रहे होंगे ये उनका घर है, और इस साइड उनके ये सारे बैल वगैरह खड़े हुए हैं आप देख रहे होंगे, ये देखें। तो इधर से हमने काटना है चारा, कहाँ से काटना है, किस साइड से? उस साइड से। और इस साइड ना जामन खड़े हुए हैं, ये देखें, ये मैं समझ मेरी दादू की जामन है, मेरी तो दादू ही लगती है ना, चाची लोगों की मासी लगती है और मेरी दादू लगती है। तो इनके जामन जो है वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, अभी यहाँ पे ब्लैक ब्लैक खड़े हैं, लेकिन ये अभी ये काफ़ी बड़े हैं। मेरा मूड था कि इनके ऊपर से ना जामन तोड़ लेंगे, लेकिन ऊपर चढ़ा नहीं जाना, आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़े हैं, हमारे जामन से भी ना काफ़ी बड़े हैं। और इसके ना पकड़ने की कोई जगह नहीं है जिससे कि सरिया ना बंदा ऊपर चढ़ जाए, ये देखें। तो अभी हम काट लेते हैं पहले चारा, तो अभी हम अंदर जा रहे हैं चारा काटने के लिए। तो इधर से काटते हैं चारा,
लेते हैं, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी काट लेते हैं, उसके बाद चारा ले जाएगी हम घर। तो इस साइड देखें, यहाँ पर बटरफ्लाई फिरती है, आप देख रहे हैं ये काफ़ी खूबसूरत है, येलो येलो है। तो इस तरह का ना चारा में येलो येलो जो तितलियाँ वगैरह होती हैं और वाइट कलर की अलग अलग किस्म की फिरती होती हैं और अलग अलग कलर की और काफ़ी खूबसूरत होती हैं। तो फिलहाल अभी मैं इधर आ चुका हूँ, तो उसके ऊपर चढ़ तो मैं नहीं सकता था, यहाँ पर मेरा मूड बना है, तो उम्मीद है कि मैं चढ़ जाऊँगा इसके ऊपर। आप देख रहे हैं पहले से अब ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, ये देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। तो अभी मैंने तोड़ने यहाँ से जामुन, देख लेते हैं कितने तोड़ पाता हूँ। और वैसे नहीं इसके ऊपर जामुन काफ़ी ज़्यादा लगे हुए, लेकिन इससे ज़्यादा ना इसके ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि ना इसके ऊपर से ना अभी किसी ने फिलहाल तोड़े नहीं है इतने जामुन, और इसके ऊपर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, जिस वजह से ना इसके ऊपर जो जामुन है ना वो अभी तक खड़े हैं लेकिन किसी ने नहीं तोड़े। तो फिलहाल बड़ी कोशिश के बाद इसके ऊपर चढ़ा है, थोड़ी सी आसानी थी इसके ऊपर चढ़ने में, लेकिन एक दिक्कत है, मैं छापर नहीं ले आया, जल्दबाजी में ना मैं इधर ऊपर चढ़ गया था, तो इसके ऊपर वैसे जामुन काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये आप चेक कर रहे होंगे साइड में जामुन लगे हुए हैं। लेकिन इसकी ये बात है कि इसकी जो टहनियाँ हैं ना ये फिलहाल मोटी हैं, उसकी पतली हैं, लेकिन इसकी मोटी अभी मैंने चढ़ के चेक किया, लेकिन चढ़ तो गया लेकिन सांस चढ़ गया। तो एक इश्यू मैं छापर नहीं लेके आया था, तो वैसे जामुन तो काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, ये तोड़ के घर ले जाते हैं, और ये जामुन जो होते कहते ठंडे होते हैं और सेहत के लिए अच्छे होते हैं। हाँ जी, तभी ना मैंने जामुन तोड़ लिए हैं, तो फिलहाल ये इतने तोड़े हैं, काफ़ी मुश्किल साथ है, तो चारा भी काट चुका है, तभी हम जाते हैं सीधा घर। तो बकरियों के लिए चारा जो है समझो वो भी काट चुका है, तो अभी हमने इसको उठा के बाइक पर रखना है और फिर सीधा ले जाएंगे घर। तो अभी चलते हैं हम घर चारा उठा के। तो अभी हम ना चारा लेके आ चुके हैं बड़ी मुश्किल से, तो मोटरसाइकिल मेरे से संभाला गियर ऐसे ना सांप की तरह मैं लेके आया उसको, बहुत मुश्किल पहुंची। हाँ जी हाँ जी, तो अभी ना हल जो है वो चलाए जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, सबसे पहले तो हल चलाने, उसके बाद ऊपर से बीज भी घेर देंगे और उसके बाद फिर हम हल चलाएंगे। तो सबसे पहले हल जो है ये चला लेते हैं, आप देख रहे होंगे ये देखें, तो कुछ इस तरह के हल चलाने हैं, तो फिलहाल ये हल चला लेते हैं और उसके बाद फिर हम बीज डालेंगे, बीज के बाद फिर हम हल चलाएंगे। आपने देखा कि विरज के जो काम थे हमने आपके साथ वो शेयर किए, मुबशर बकरों के लिए चारा लेके आया, मैंने चारा काश्त किया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो ये भी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने ना खेत को पहले पानी लगाया था, जब उसका वतर आता है ना तो फिर चारा काश्त करना पड़ता है, तो फिर मुझे ना वो चारा काश्त करना पड़ा, मैंने गर्मी में वो काश्त किया, आपके साथ भी शेयर किया। तो अभी आ गया हूँ घर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने वर्दी वगैरह अब चेंज कर ली है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा चल भी रही है लेकिन वो महसूस भी नहीं हो रही कि हवा चल रही है या नहीं चल रही। जो काम हम अब करने जा रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो इसलिए कि इधर खड़े हैं हमारे पास बकरे 1, 2, 3 और इधर चौथा बकरा भी पास खड़ा है। अच्छा, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमने ये सोचा कि लगे हाथ इनको भी नहला लेते हैं, क्योंकि गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा है, तो ये भी जानदार है, इनको भी गर्मी लगती है, तो हमने यही प्रोग्राम बनाया है कि हम इनको नहला लेते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो इनको नहलाने के लिए सेफ़ गार्ड साबुन इस्तेमाल करेंगे या फिर सनसिल्क या हेड एंड शोल्डर शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें से जो मट्टी वगैरह वो भी अच्छी तरह निकल जाएगी ताकि ये फ्रेश हो जाए, क्योंकि फिर 2-3 दिन बाकी रह गए तो फिर इन्होंने कुर्बान हो जाना है, इनकी अच्छी तरह खाते में दावत कर लें ताकि ये खुश हो जाए। तो करते हैं इनकी खिदमत, सबसे पहले तो मैं शैम्पू ले आता हूँ इनको नहलाने के लिए। हाँ जी, तो हेड एंड शोल्डर शैम्पू लेके आ गया हूँ, ये आप देख रहे हैं, तो आज इन बकरों को हेड एंड शोल्डर शैम्पू के साथ नहलाएंगे और इनके जो बाल वगैरह वो बिल्कुल साफ हो जाएं शैम्पू के साथ, फिर इनकी कंघी करेंगे। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ना इनको नहलाऊँ ना तो बर्फ़ वाले पानी से नहलाता हूँ, आज ना इस तरह करते हैं क्योंकि ठंडा पानी हो तो ये इंजॉय करें, आज बर्फ़ वाले पानी के साथ नहलाएंगे, इधर टब भरते हैं, टब भर के ना उसमें बर्फ़ डालेंगे, फिर ये इंजॉय करेंगे हमारे बकरे। तो शैम्पू को रखते हैं इधर, तो सबसे पहले तो मैं टब ले आता हूँ, उसको पहले भरते हैं और उसके बाद उसमें बर्फ़ डालेंगे, फिर इन बकरों को नहलाएंगे, क्योंकि ये कुर्बानी वाले बकरे हैं तो इंजॉय करें ठंडे पानी में। हाँ जी, तो ये फ्रेश से ना बर्फ लेके आया हूँ, इसको डालते हैं और इसमें पानी पा देते हैं सबसे पहले। इसके साथ नहलाएंगे,
ठंडा ठंडा पानी खतरे आ जाओ, दिल कर रहा है मैं खुद भी नहा लूं। हाँ जी, तो एक बाल्टी पानी की मैंने भर दी है, वो ठंडा हो गया है पानी, और दूसरे में पानी डाल रहा हूँ। तो बकरे को ले आता हूँ इधर, तो इसको नहला लेता हूँ, इसको शैम्पू लगाता हूँ, फिर कंघी कराऊंगा, ठंडे पानी से नहलाऊंगा, तो ये एंजॉय करेंगे। क्या आ गया हूँ, इसको लेता हूँ इधर बांध। हाँ जी, तो इस बकरे को शैम्पू लगा दिया गया है और इसकी ना अच्छी तरह मालिश की जा रही है, और अब बकरा जो है ना वो आराम कर गया है। तो आप इधर ठंडा पानी बाल्टी में पड़ा है, तो इसके साथ नहला देंगे, मज़ीद शैम्पू भी निकाल देंगे, और पहले बकरे से पूछते हैं। हाँ जी सुनाओ, क्या फील कर रहे हो? मजा आ रहा मज़ा आ रहा है? अब सुकून आ गया इसको, अब ये आराम कर गया है माशाल्लाह। ऊपर ये शैम्पू लगा दिया है और इसकी अच्छी तरह मालिश भी की जा रही है। इधर ठंडा पानी पड़ा है, तो इस पानी के साथ इसको मिला देते हैं। यार आराम कर, खड़े हो जाओ, यही तो देना है खिदमत करने के। तो अब इस बकरे को नहला रहे हैं। हाँ जी, ये देखें, ठंडा 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 पानी है। ये देखें जी, एंजॉय एंजॉय कर रहे हैं। इन दोनों बकरों को नहला दिया अच्छी तरह, शैम्पू वगैरह लगा दिया है। अब वो वाला तीसरा बकरा खड़ा है, उसको नहलाना है, उसको नहला लेते हैं जल्दी जल्दी। बस ये भी फ्रेश हो गया, तो अब मैं फारिग हो गया हूँ, बकरों को भी नहला लिया है, और आपने देखा मैं जाके मैंने चारा भी काश्त किया, और भी काफ़ी सारा मैं काम करता रहा हूँ। अभी जो दोपहर का ना 1-2 बज चुके हैं, इन बकरों को अब मैंने नहलाया, तो अब बिल्कुल फारिग हो चुका हूँ। तो अभी जो है ना बैठूँगा दुकान पे, चक्की पे ना गंदा वगैरह भी आई पड़ी है, तो उसकी भी पिसाई करनी है, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेता हूँ। अगर आज की मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेरों सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।